सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मानो या ना मानो को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अब आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और भी जल्दी हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाके बस मानो या ना मानो हिंदी स्टोरी सर्च करें, जो है बिल्कुल फ्री, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मानो या ना मानो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की बहन कौन थी? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे शिव पुराण से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा, भगवान शिव की बहन की कथा। भगवान शिव की पत्नी और बच्चों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान शिव की एक बहन भी है? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो उसके बाद वो खुद को घर में अकेला महसूस करती और उनकी इच्छा थी कि काश उनकी भी एक ननद होती जिससे उनका मन लगा रहता। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पार्वती से पूछा कि कोई समस्या है? देवी तब पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें ननद लाकर तो दे दूं, लेकिन क्या ननद की आपके साथ बनेगी? इस पर पार्वती जी ने कहा, भगवान ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूँ। भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी उत्पन्न कर दी। भगवान शिव ने ये कहा, ये लो तुम्हारी ननद आ गई, इसका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। तब असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो देवी पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था सब खा गई और महादेव के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो पार्वती दुखी हो गई। इसके बाद जब देवी पार्वती ने अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो वो मोटी असावरी देवी के लिए वस्त्र छोटे पड़ गए। पार्वती उनके लिए अलग वस्त्र का इंतजाम करने लगी। इसी बीच ननद रानी को एक मजाक सूझा। उन्होंने अपने पैरों के दरार में अपनी भाभी यानी पार्वती जी को छुपा लिया। इससे पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से देवी पार्वती के बारे में पूछा तो असावरी देवी ने झूठ बोला। तब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं, तो असावरी हंसने लगी और जमीन पर पैर पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गई। उधर ननद के व्यवहार से देवी पार्वती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देवी पार्वती ने कहा कि कृपा करके ननद को जल्दी ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और मैंने ननद की चाह की। इस पर शिव ने देवी असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर भेजें। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मान्यताओं और घटनाओं के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।